दोस्तों, कैडबरी के सक्सेस स्टोरी के बाद अब मैं आपके बीच आया हूँ एक नया केस स्टडी लेकर वोडाफोन कंपनी के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श पांडे है और आपका स्वागत है द एंथुजियास्टिक इंडियन चैनल पर। क्या आपको पता है ब्रिटेन के पहले सेलुलर नेटवर्क वोडाफोन का श्रेय जाता है? शायद पता होगी। वोडाफोन का फुल फॉर्म होता है वॉइस डेटा फोन। ये नाम कंपनी के द्वारा मोबाइल फोन पर आवाज और डेटा सेवाओं को संकेत करने के लिए दिया गया था। वोडाफोन ने वर्ष 1983 में नेटवर्किंग शुरू की। इसकी शुरुआत रैकल की सहायक कंपनी के रूप में हुई थी। रैकल एक ब्रिटिश रडार एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। यह अब एशिया, अफ्रीका, यूरोप और पैसिफिक आइलैंड में सर्विस के साथ एक मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है। जब यह शुरू हुआ तो यूरोप के मिलिट्री रेडियो टेक्नोलॉजी के निर्माताओं में रैकल सबसे बड़ा था। वे रेडियो टेक्नोलॉजी के व्यावसायिक उपयोग को बहुत जल्द महसूस किए और अपना व्यावसायिक दिमाग लगाने का फैसला लिया और परिणाम स्वरूप वोडाफोन को 1 जनवरी 1985 को नए नाम रैकल वोडाफोन लिमिटेड के तहत लॉन्च किया गया और उसके बाद रैकल स्ट्रेटेजिक रेडियो का नाम बदला गया और नाम दिया गया रैकल टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप लिमिटेड। 29 दिसंबर 1986 को रैकल इलेक्ट्रॉनिक्स ने वोडाफोन के माइनॉरिटी शेयर होल्डर को जीबी यूरो 110 मिलियन के शेयर जारी किए और वोडाफोन पूर्ण रूप से रैकल का ब्रांड बन गया। 16 सितंबर 1991 को रैकल टेलीकॉम को वोडाफोन के रूप में रैकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हटा दिया गया। जुलाई 1996 में वोडाफोन ने दो तिहाई तालकंड को एक्वायर किया जो कि खुद का नहीं था और जिसकी कीमत 30.6 मिलियन था। 29 जून 1999 को वोडाफोन ने एयर टच टेलीकम्युनिकेशंस की खरीद पूरी की और इसका नाम बदलकर वोडाफोन एयर टच पीएलसी रखा। 28 जुलाई 2000 को कंपनी अपने पूर्व नाम पर वापस आ गई जो कि थी वोडाफोन ग्रुप पीएलसी। 17 दिसंबर 2001 को वोडाफोन ने डेनमार्क के टीडीसी मोबाइल पर हस्ताक्षर करके पार्टनर नेटवर्क की कंसेप्ट पेश की। नया कंसेप्ट का उपयोग वोडाफोन ब्रांड और सेवाओं को उन बाजारों में विस्तारित करने के लिए किया गया जहां स्थानीय ऑपरेटरों में दाव नहीं थे। 2007 में वोडाफोन ने मैक लारेन फार्मूला 1 टीम के साथ एक टाइटल स्पॉन्सर डील में प्रवेश किया जो 2013 सीजन के स्पॉन्सरशिप के समाप्त होने तक वोडाफोन मैक लारेन के रूप में कारोबार करने थी। 1 दिसंबर 2011 को यह एक आईसीटी कंसल्टेंसी कंपनी रीडिंग बेस्ड ब्लूफिश कम्युनिकेशन लिमिटेड को एक्वायर किया। दुनिया भर में केबल और वायरलेस का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौते की घोषणा की। अधिग्रहण ने व्यवसायों के लिए CWW के फाइबर नेटवर्क तक वोडाफोन ने पहुंच प्रदान की। 2 सितंबर 2013 को वोडाफोन ने घोषणा की कि वह वेरिजन वायरलेस से वेरिजन कम्युनिकेशन में $130 बिलियन में अपनी 45% हिस्सेदारी बेच देगा। जून 2017 में कंपनी ने अपने विज्ञापन को हेटरेड स्पीच और फेक न्यूज बनाने और साझा करने पर केंद्रित आउटलेट के भीतर प्रदर्शित होने से रोकने के लिए उपाय किए। 31 अगस्त 2018 को वोडाफोन मिल गया आइडिया के साथ और नाम दिया गया वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। दोनों कंपनियों के विलय के बाद सब्सक्राइबर और रेवेन्यू द्वारा भारत में सबसे बड़ी कंपनी बनी। सौदे की शर्तों के तहत वोडाफोन कंपनी की संयुक्त इकाई में 45.2% हिस्सेदारी है। आदित्य बिरला ग्रुप यानी आइडिया की 26% हिस्सेदारी है और बचे शेयर जनता के लिए हैं। अगस्त 2020 के बाद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने एक्टिव सब्सक्राइबर की संख्या में कमी पाई। तो ये थी वोडाफोन की कहानी मेरे यानी आदर्श की जुबानी। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।